हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मेरा कमेंट बॉक्स में एक हमारे पुराने पेशेंट है, रामजी भाई सेठ, बहुत बड़ी व्यक्ति है। पहले तो यंग थे तब उन्होंने बहुत दान बहुत बड़ा किया है और बहुत फेम बेम वाले व्यक्ति है। अभी ओल्ड उम्र हो गई है तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं आपका वीडियो देखता हूँ, तो आज आप ऐसे वीडियो बनाइए जो मेरी कंप्लेन है। ऐसे ओल्ड उम्र के लाखों लोगों को भी कंप्लेन हो सकती है। मेरा पैर में नमनेस लगता है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे वीडियो के बारे में आप कुछ समझाइए, क्या खाना पीना होता है, क्या ऐसे होता है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और दर्दी को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाना ठीक रहा, तो आज आप वीडियो में हम आपको डिटेल बताते हैं। तो ये वीडियो मेरा जरूर शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। मित्रों, पैर में नमनेस हो जाना ये मिडल एज से ओल्ड उम्र के लोगों को बहुत सारी कंप्लेन होता है। इसका जुदा जुदा कॉज होता है, जिसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज भी बोला जाता है, और ये पर्टिकुलरली पैर में होता है। और ये जैसे ओल्ड उम्र आता है तैसे ये पैर में नमनेस आना, खालीपन जाना, खड़े होता है तो पेन हो जाना, पैर फट जाना, और दर्दी को चलने में भी मुश्किल हो जाती है और पैर गाड़ी जैसा होता है, ऐसे सब कंप्लेन यही डिजीज में हम कवर करेंगे। तो मित्रों, इसका क्या कारण होता है? तो पहले तो ये जो न्यूरोलॉजिकल ज्ञान तंतु के कारण हो सकता है। ओल्ड उम्र होते हैं तो हमारा शरीर में विटामिन B12 या और विटामिन कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के वजह से हो सकता है। दूसरा कारण, शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकता है। डायबिटीज न्यूरोपैथी भी हो सकता है, डायबिटीज की वजह से जो हमारे पैर की नसों है इसमें सुन्नपन आ सकता है, खून संचार कम हो सकता है। कई बार हार्ट रिलेटेड जो डिजीज होता है, जिसको इस्केमिक हार्ट डिजीज हो या कोलेस्ट्रॉल हो, इसके कारण भी ये उनको पैर में सुन्नपन और नमनेस भी आ सकती है। कई बार स्पाइनल कॉर्ड में कॉम्प्रेशन होने के कारण सायटिका का जो दर्द रहता है, इसके पार कारण भी दर्दी को पैर में सुन आ जाना, या पैर में कोई सुइया चौंपती हो, या पैर में नमनेस हो जाना और पैर जमीन पर नहीं पड़ता है, ऐसे ख्याल आ सकता है। कई बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज में भी ऐसा दर्दी को माना गया है। कई बार जिन लोगों को सायटिका का दर्द होता है, जो लोग रांझण बोलते हैं, इसके कारण भी कई बार हो सकता है। कई बार वेंस के कारण हो सकता है, कई बार वेंस में जो रक्त संचार कम होता है तो यही डिजीज में ये रोग होने की संभावना रहती है और दर्दी को नमनेस होता है। कई बार ओवर डायबिटीज हो जाता है और ओवर वेट दर्दी होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, उन लोगों को भी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज या नमनेस डिजीज होने की संभावना रहती है। कई बार जिन लोगों को लैक ऑफ एक्सरसाइज होते हैं और सेडेंटरी लाइफ होती है, इन लोगों को भी होने की संभावना रहती है। कई बार अमुक डिजीज होता है जिसको राइन डिजीज बोलते हैं, जिसमें और जो लोग कोल्ड एरिया में रहते हैं, ज़्यादातर बर्फीला एरिया में, तो उसको फॉक्स बाइट्स भी होने की संभावना के कारण भी हो सकता है। कई बार फूट में कौन डिजीज हो सकता है, कई बार टार्सल बोन्स में जो कोई पैथोलॉजिकल ट्यूमर आ जाता है तो भी होने की संभावना रहती है। कई बार फूट में कोई इंजरी हो जाता है, या फूट में कोई स्प्रेंट हुआ हो ओल्ड उम्र को और अनहील्ड हो गया हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो भी ये रोग होने की एक संभावना रहती है। तो ये सारे जो कॉज होता है ये अलग अलग ज्ञान तंतु से कारण हो सकता है, या आपको मांसपेशी के कारण हो सकता है, कोई डिजीज के कारण भी हो सकता है। इसमें क्या सिम्टम आता है? तो दर्दी जैसे बैठा रहता है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, पर जैसे खड़ा रहता है तो उनको दर्दी को कोई रूह के गदले में चलता है ऐसा लगता है, दर्दी को पैर में चुभन आ जाती है, और कई बार खड़े रहने में दर्दी को पैर में जलन हो जाती है, पैर धुर्जने लग सकता है, पैर की नसें स्टीफनेस हो जाता है, चलने में भी मुश्किल हो जाता है, 10-15 डगला चलता है, बाद में दर्दी को चलना मुश्किल हो जाता है, इसके साथ सांस चढ़ जाती है,
और दर्दी को इतना मुश्किल हो जाता है कि एक घंटा भी जो आधा घंटा भी चले तो सारे दिन उसको रेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे डिजीज में आप थोड़े जो शुरुआत से जो आपको तकलीफ हो और आप थोड़ा केयरफुल रहते हैं तो ये डिजीज को आप खुद मिटा सकते हैं। इसमें कई बार कैल्शियम की खामी होने के कारण दर्दी को वीकनेस रहता है, कई बार कोई ओल्ड फ्रैक्चर हो और अनहील्ड हो जाता है लोअर फुट में, तो इसके कारण भी दर्दी को पैर तक हो जाता है। कई बार तो इसे फ्लैट फुट जिन लोगों को होता है उनको जो जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है, तो इसके कारण भी उनको पैर में नमनेस आ जाती है। कई बार दर्दी को जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, मांसपेशी में खिंचाव या पोटेशियम की कमी के कारण भी यही प्रॉब्लम्स रहता है। कई बार दर्दी को फूट से लेके मांसपेशी में क्रैम्स आ जाता है, लैक ऑफ वाटर पीता है, पानी पीता है, तो इसकी वजह से हो सकता है, वेदर की वजह से भी हो सकता है। और दर्दी को चलने में उठने में तकलीफ रहता है, कई बार गिर भी जाता है, क्योंकि वो जब खड़ा रहता है तो उनको मालूम नहीं रहता है कि उसका पैर जमीन पर पड़ा है नहीं हुआ है, क्योंकि इतना वो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में जो उसका नस में खून संचार होना चाहिए प्रॉपर नहीं बनता है। और दर्दी को लगता है कि मैंने फूट तो नीचे रखा पर कॉन्शियसली फूट नीचे होता है पर इसके पर उनका जो शरीर का भार है फूट नहीं ले पाता है, तो कई बार गिरने का जो ओल्ड उम्र के लोग गिर जाता है उसका कारण भी यही माना जाता है और थापे में फ्रैक्चर होने के भी कारण वही होता है। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं तो भी केयरफुल रहना, तो सबसे पहले आपको वेट लॉस करना चाहिए, थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज करना चाहिए, कैल्शियम की कमी हो तो आप कैल्शियम खुराक में लीफी वेजिटेबल है, बनाना है वो ले सकते हैं, आपका डायबिटीज कंट्रोल रख कर सकते हैं। जो घर में आप करना चाहते हैं तो थोड़ा योगा कीजिए, साथ में सॉल्ट डाल के गर्म पानी में आप पैर थोड़ा गुनगुना पानी में पैर 1-2 घंटा रखिए। इससे क्या होता है, जो सॉल्ट में ऐसा होता है कि शरीर के अंदर सॉल्ट जाता है तो इसकी साइड इफेक्ट हार्ट पर ज़्यादा पड़ता है, ब्रेन पर, पर आप उसका एक्सटर्नल उपयोग करते हैं तो ये ज्ञान तंतु का जो सूजन है ये पानी के साथ ये सूजन धीरे धीरे कम हो जाता है, रक्त संचार होता है, पैर फिर से ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, तो इसमें जो क्रैम्स होता है जब खड़े रहते हो नमनेस हो जाता है और कोई सुई या भुकती या ऐसा पेन हो जाता है तो ये ठीक हो जाता है। आपका लाइफस्टाइल में कई बार इंडियन आप टॉयलेट में बैठते हैं तो आप वैसे टॉयलेट कीजिए, आप नीचे बैठने का कम रखिए और बना तो थोड़ा 1 घंटा हो थोड़ा चलने का रखो, जब भी चलो तब मेंटल फोकस रखिए और आजू बाजू में भी ऐसा सपोर्ट रखिए कि आप गिर ना जाओ, तो ये करने से आपका मेंटली थोड़ा फोर्स बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई बार ओल्ड उम्र में किसी को हेल्प लेना मुश्किल हो जाता है, कई बार सिंगल व्यक्ति होता है तो उनको ही प्रॉब्लम रहता है, तो उनको भी कॉन्फिडेंट रहता है। इसमें आप विटामिन ई की गोली भी ले सकते हैं या आप वेजिटेबल या ड्राई फ्रूट्स, इसमें भी विटामिन ई ज़्यादा मिलता है। आप अलसी का उपयोग भी कर सकते हैं, अलसी में भी विटामिन ई इज अ सोर्स, वॉलनट में भी विटामिन ई आता है। आप सरसों का तेल जो कॉपर का जो वाड़की होता है इसे एक एरिया में घिसने से भी ब्लड सर्कुलेशन रक्त संचार होने में कारगत ये होम मेडिसिन है, तो आप जरूर करना। साथ में आप जो होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले होम्योपैथिक दवा में प्लम्बम मेटालिकम है। प्लम्बम मेटालिकम जिन लोगों को किडनी ब्रेन और हार्ट वीक होता है इसके जरिए आपका पैर में भी क्रैम्स आता है, मसल्स वीक हो जाता है, फटीग हो जाता है, रेन डिजीज का डायग्नोस किया हो या वेन्स का कोई वेरिगोज वेन का भी डायग्नोसिस किया हो, इसमें प्लम्बम मेटालिकम दवा बहुत अद्भुत काम करती है। इसमें 30 पोटेंसी का उपयोग करने का है, लंबे टाइम लेने का नहीं है। और जिन लोगों को हार्ट अटैक आने आने के बाद भी जो रेन डिजीज या पैर में नमनेस आ गई हो डायबिटीज की वजह से आती है तो ये दवा बहुत अद्भुत काम करती है, तो 30 पोटेंसी में 15 दिन आप दवा ले सकते हैं। सेकंड दवा है मैग्नीशियम फॉस्फोरस। मैग्नीशियम फॉस्फोरस जो दवा है इसमें मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस दोनों होता है।
मैग्नीशियम से हमारा शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ये मैग्नीशियम फॉस्फोरस जैसी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, और मांसपेशी में कहीं भी सूजन हो तो ये सूजन कुदरती रिपेयर करता है। इसमें पेन मिटाने की भी बहुत अमुक औषधि है। तो आप बायोकेमिक में 6X में पाँचवाज गोली, जिन लोगों को नी पेन हो या क्रैम्स आते हो या फुट में दर्द हो, तो इसमें ये उपयोग कर सकते हैं 6X पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को, तो इसमें अद्भुत चमत्कारिक रिजल्ट है। जिन लोगों को नमनेस है ये प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर की दवा है स्टेफिसैगरिया। जिन लोगों को लोअर लिम में कंप्लेन रहता है, पर्टिकुलर लेडीज़ होती है, पोस्ट डिलीवर के बाद या कोई ऑपरेशन के बाद उनको पैर की कोई सूजन आ गई हो और पैर में कोई शक्ति ना हो, नी में कोई शक्ति ना हो, फुट में भी कोई शक्ति ना हो, नमनेस आ जाता है, पैर में कुछ चुभता हो, ऐसा लगता हो, खड़े नहीं सकते, थोड़ा भी चलता है पैर भर जाता है, ऐसे छोटी उम्र में रहता है, तो स्टेफिसैगरिया का उपयोग आप कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की दवा है रस्टॉक। जिन लोगों को सायटिका दर्द हो राइट साइड, और ये दर्द कमर से होके 6 फुट तरफ जाता है और फुट में कुछ चुभन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, चलता है तो एक पैर ठीक पड़ता है, दूसरा पैर ठीक नहीं पड़ता है, दोनों पैर में वजन प्रॉपर नहीं आता है, खड़ा रहने में मुश्किल आ जाता है, और इनको राजन की तकलीफ रहती है, जब वादर छाया है और वातावरण में जब क्लाउड वेदर होता है कंप्लेन बढ़ता है, दर्दी को बैठने में खड़ा रहने में तकलीफ होता है, हलन चलन करने से दर्दी को अच्छा रहता है, गर्म सेक करने से दर्द बढ़ता है, तब ये दवा का आप जरूर उपयोग करना चाहिए। लास्ट नंबर की दवा है जो पर्टिकुलरली जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो या ज्ञान तंतु रिलेटेड डिजीज हो, या जिन लोगों को हाई डायबिटीज हो, ये यूरिनस नाइट्रिकम नाम की दवा है। ये पोस्ट या कॉम्प्लिकेशन फॉर डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज न्यूरोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी या रेन डिजीज में ये बहुत अद्भुत काम करता है। मैंने ये दवा कई पेशेंट को दिया है जो ओल्ड उम्र के लोगों होते हैं, डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ हो, पैरालिसिस का अटैक आने के बाद ऐसा प्रॉब्लम रहता है, तो यूरिनस नाइट्रिकम आप लो पोटेंसी का उपयोग कर सकते हैं। ये जो मैंने जो दवा बताया है 30 पोटेंसी लेने से, आपके पैर में जहाँ भी जो पेरिफेरल नर्व डिजीज है, या आपको नमनेस आता है, या स्टिंचिंग पेन होता है, या आपको कोई सुई भुगता हो ऐसा पेन होता है, तो ये ज़रूर आप उपयोग करना और धीरज से उपयोग करना, और धीरे धीरे आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आपके ये रोग में से ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बन के साथ में आप होम्योपैथिक दवा करो तो आपको ये रोग में आप बच सकते हैं। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।